Dear students, my name is Khushraj Singh. I am a faculty of biology and did my M.Tech degree in life sciences. I am here to provide you lecture for 11th and 12th and JET examination. आपके JET के सिलेबस में एक सेक्शन बायोलॉजी का आता है जिसमें यूनिट ए में अप्रॉक्स 7 चैप्टर्स हैं. मैं आज आपको चैप्टर 4 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से एक चैप्टर है उसको पढ़ाऊँगा. आई होप आपको पसंद आएगा. तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं. हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल. सेल जो टॉपिक है वो बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और 11th और 11th के एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है. तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज सेल पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि जो कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो हम स्टार्ट करेंगे इसके कंटेंट से. जो हम आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस, डेफिनेशन ऑफ सेल, हिस्ट्री ऑफ सेल, सेल थ्योरी, ऑब्जेक्शंस ऑफ सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखाई देता है वो हम पढ़ेंगे. तो जैसा कि आप देख रहे हो कि व्हाट इज सेल, सेल क्या होती है. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनिज्म. कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे ऑर्गेनिज्म जो भी जीवित लोग हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. हम डिफरेंशिएट करेंगे सेल के थ्रू. जिस ऑर्गेनिज्म में सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, जिस ऑर्गेनिज्म में सेलुलर फंक्शंस होते हैं, उनको हम बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो सेल ही जो होती है वो किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग और नॉन लिविंग में कैटेगराइज करती है. सेल जो होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में. इसी वजह से इसको बोला जाता है सेल इज़ द बेसिक यूनिट, क्योंकि ये सबसे बेसिक यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने में, किसी भी ऑर्गेनिज्म का निर्माण करने में, उसको डेवलप करने में. जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है. इसमें दिखाया हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी सेल से कैसे होता है, किस तरीके से होता है. ये सेल से जो होता है वो सबसे पहले टिश्यूज़ बनते हैं. टिश्यूज़ मतलब जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि किसी घर का या फिर किसी भी हाउस का जो भी डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है. एक ब्रिक होती है, सीमेंट्स होते हैं, तो ये सब मिलके जॉइंट मिलके बनाते हैं एक हाउस. उसी तरीके से सेल जो होती है वो हमारे पूरे बॉडी का निर्माण करती है. तो सेल से पहले टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गेनिक सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गेनिक सिस्टम से एक पूरी बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है. सो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनिज्म. इट इज़ एन एक्वस कंपार्टमेंट बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन. कंपार्टमेंट जैसे माचिस की डिब्बी होती है ना, उसमें बहुत सारी माचिस बनी होती है, तो कंपार्टमेंट इसी तरीके से इसको बोला गया है कि एक छोटा सा कंपार्टमेंट है जो कि एक पूरी बॉडी का निर्माण कर रहा है. एक एक मिलके एक पूरी बॉडी का निर्माण कर रहा है. सो ये जो होता है वो एक्वस कंपार्टमेंट होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है. इसका जो एक पूरा जो आवरण होता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है. सेकंड पार्ट इज ऑल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल एक्सेप्ट वायरसेस. क्योंकि वायरस जो होते हैं वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें कोई सेल नहीं होती है, उनमें सिर्फ डीएनए होता है जो कि बाद में रेप्लिकेट होता है. इस वजह से उसमें कोई सेलुलर बॉडी नहीं होती है. इस वजह से सेल जो वायरसेस होते हैं उनको सेलुलर स्ट्रक्चर में नहीं माना जाता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी नहीं माना जाता है. स्टूडेंट्स,
नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ सेल. सो जो हिस्ट्री थी वो थी रॉबर्ट हुक, ये आपने नाम सुना होगा पहले, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था डेड सेल को. सो रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल इन अ पीस ऑफ कॉर्क. ये जो होता है कॉर्क, एक पार्ट होता है पेड़ का, प्लांट का, इसमें उन्होंने डेड सेल सबसे पहले देखी थी रॉबर्ट हुक ने. कब देखी थी? 1665 में ये सेल देखी थी, और उन्होंने ही कॉइन किया था सेल के वर्ड को. सो द सेकेंड इज द वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड. आपने सुना होगा लेटिन वर्ड, जितने भी साइंटिफिक टर्म्स होते हैं वो ज़्यादातर लेटिन वर्ड में ही दिए जाते हैं. तो सेल्यूला, जिसका मतलब है स्मॉल कंपार्टमेंट. स्मॉल कंपार्टमेंट जैसे कि आपने ट्रेन की बोगी देखी होगी, उसको एक कंपार्टमेंट ही बोलेंगे. तो उस कंपार्टमेंट को बेसिकली लैटिन भाषा में सेल्यूला बोला जाता है. सो सेल्यूला से इसका नाम पड़ा, जिसका नाम बोला गया सेल. तब उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए जो कि 1674 में, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक. ये जो थे इन्होंने पहली बार लिविंग सेल को डिराइव किया था. क्या किया था? लिविंग सेल को डिवाइड किया था. एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप. इन्होंने किस में देखा था? माइक्रोस्कोप में देखा था. एंड नेम्ड द टर्म एनिमलस, एनिमे एनिमलक्यूलस, जिसका मतलब होता है लिटिल एनिमल. क्योंकि इन्होंने एनिमल सेल से देखा था, तो इन्होंने छोटा जानवर, जिसको बोलते हैं लिटिल एनिमल के नाम से, इन्होंने डिराइव किया था. लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ सेल थ्योरी. अब जैसे जैसे रिसर्च होती गई, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, नई नई रिसर्च होती गई सेल के बारे में. एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक के बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी, अलग अलग रिसर्च की, और उन्होंने अपने अलग अलग जगह पे अपने रिसर्च को पब्लिश किया. उसमें से सबसे बड़ा जो रिसर्च था वो था सेल थ्योरी. सेल थ्योरी जो दी गई थी वो दो साइंटिस्ट के थ्रू दी गई थी मेनली. कब दी गई थी? 1839 में स्लीडन एंड स्वान ने. स्लीडन जो थे वो जर्मन साइंटिस्ट थे जो कि एक बॉटनिस्ट थे, और स्वान जो थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे. ये जानवरों के ऊपर जूलॉजिस्ट थे, तो जानवरों के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर अपनी रिसर्च कर रहे थे. तो इन दोनों ने मर्जब होके एक थ्योरी दी, और इस थ्योरी को जो बोला गया वो सेल थ्योरी बोला गया. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बोला गया, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. इन्होंने बताया कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो एक ऐसे मटेरियल से बनी गई है जिससे एक पूरी बॉडी का, छोटे छोटे मिलके पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं, जो कि सेल्स बोला गया. और इन्होंने बोला कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी फंडामेंटल यूनिट, किसी भी लाइफ के फंडामेंटल यूनिट का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और एक यूनिट होती है जो कि एक बॉडी को बनाती है. ये सेल थ्योरी में प्रपोज किया गया. अब और आगे जब बढ़े तो 1855 में रुडोल्फ विर्चो, ये भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रपोज किया. इन्होंने सेल थ्योरी में कुछ एक्सटेंशंस किए, इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशंस किए, और बोला ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. एक बहुत बड़ा इन्होंने एक कॉट दिया, उस कॉट को बोलेंगे ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूला. ये बेसिकली एक कोट था जिसमें इसका मतलब होता है जो भी जितने भी ऑल लिविंग सेल्स जो होगी वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही डिराइव्ड होगी. मतलब जितनी भी नई सेल्स बनेगी वो पुरानी एग्जिस्टिंग सेल्स जो है उनसे बनेगी. ये किसने दिया? ये 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने दिया. अब स्वान जो थे उन्होंने प्रपोज किया, एक हाइपोथेसिस दी. वो हाइपोथेसिस क्या बोलती है? द बॉडीज ऑफ एनिमल्स
एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। जो प्लांट और एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो सेल्स और जो सेल के जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे बनी हुई होती है। ये सेल थ्योरी में स्लीडन, श्वान और रुडोल्फ विर्चो ने बताया गया। अब सो फ्रेंड्स, ओवर द टाइम जैसे जैसे रिसर्च होती गई, जो मॉडर्न जो थ्योरी थी, सेल थ्योरी थी, वो भी इवॉल्व होती गई और उसमें कुछ कंपोनेंट्स जुड़ते गए रिसर्च के साथ साथ। तो कौन से कंपोनेंट्स थे? वो कंपोनेंट्स में थे, ऑल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। जो जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे वो या तो एक सेल के बनेंगे या बहुत सारी सेल के बनेंगे। अब बाद में इनके नाम दिए गए, जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। जो वन सेल से बनेगा वो सिंगुलर होगा और जो बहुत सारी सेल से बनेगा वो मल्टी सेलुलर बनेगा। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो या तो एक सेल के बनेंगे या बहुत सारी सेल से मिलके बनेंगे। बाद दूसरा पॉइंट क्या बोला गया, द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। जो सेल होगी वो किसी भी लाइफ का स्ट्रक्चर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर डिसाइड करेगी, उसका फंक्शन डिसाइड करेगी। सेल और इसके कंपोनेंट्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या करेगी, स्ट्रक्चर डिसाइड करेगी और फंक्शन डिसाइड करेगी। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया, थर्ड पॉइंट बोला गया, ऑल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन। जितनी भी नई सेल्स बनेगी वो किससे बनेगी, जो पुरानी सेल्स हैं उन्हीं से ही नई सेल्स अराइज होगी, ये इन्होंने बोला। नेक्स्ट क्या बोला, एनर्जी फ्लो अकर्स विद इन द सेल। जिस तरीके से एक सेल से, इन्होंने बोला कि एक सेल से दूसरी सेल में एनर्जी का फ्लो होगा, मतलब जो एनर्जी होगी वो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे अलग अलग सेल्स में एक से दूसरी में होता जाएगा। तो एनर्जी फ्लोज अकर्स विद इन द सेल्स। नेक्स्ट क्या था, सेल कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन DNA विच इज पास्ड फ्रॉम सेल टू सेल। अब ये बताया गया कि जो सेल होती है उसमें एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, इसको क्या बोला जाता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जो कि क्या होता है, DNA होता है। तो ये बोल रहे हैं कि सेल्स जो होगी वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है उसको क्या बोला जाता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन बोला जाता है, विच इज़ पास्ड फ्रॉम सेल टू सेल, मतलब एक सेल से दूसरी सेल में पास होगी। नेक्स्ट क्या बोला गया, ऑल सेल्स हैव बेसिकली द सेम केमिकल कंपोजिशन। किसी भी बॉडी में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म होगा उसमें जो सेल के जो कंपोनेंट्स होंगे वो सेम केमिकल कंपोजिशन के बने होंगे। ये जो थे ये पॉइंट्स, ये मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से जाने गए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज ऑब्जेक्शंस टू सेल थ्योरी। अब जो ऑब्जेक्शंस लगाए गए सेल थ्योरी पे, कौन कौन से जो ऑब्जेक्शंस थे सेल थ्योरी पे, वो हैं, द फर्स्ट ऑब्जेक्शन इज, ऑल्दो वायरसेस डू नॉट हैव अ सेल मशीनरी येट दे आर कंसिडर्ड टू बी एन ऑर्गेनिज्म। जबकि वायरस जो होता है उसमें सेल मशीनरी नहीं होती, फिर भी इनको ऑर्गेनिजम्स में कंसिडर्ड किया गया, ये कि ये जो था ये ऑब्जेक्शन था सेल थ्योरी का। द सेकेंड ऑब्जेक्शन इज, इन सम ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन टू द सेल एंड दीज में हैव न्यूमरस न्यूक्लियाई। ये बोल रहा है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं राइजोपस क्या है, ये एक बैक्टीरिया है और इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो डिफरेंशिएट नहीं होती है सेल्स में, बट इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, बट फिर भी ये सेल थ्योरी में रखा गया। कौन सा एग्जाम्पल, राइजोपस, ये एक सेल थ्योरी का ऑब्जेक्शन का एग्जाम्पल है राइजोपस। द नेक्स्ट इज, थर्ड पॉइंट इज, बैक्टीरिया डू नॉट पोजेस अ न्यूक्लियस एंड मेनी ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो एब्सेंट। अब ये बोल रहा है जो थर्ड पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बैक्टीरिया जो होते हैं ना उनमें न्यूक्लियस होता है और बाकी जो होते हैं
बाकी ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, बट फिर भी उसको सेल थ्योरी में ऑब्जेक्शंस में रखा गया। अब फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? फोर्थ पॉइंट बोल रहा है आरबीसीज जो हैं और सीव ट्यूब्स होती है, जो जो हमारे रेड ब्लड सेल होती है। क्या होती है आरबीसी? रेड ब्लड सेल होती है। जो आरबीसी होती है वो विदाउट न्यूक्लियस होती है, और बाकी जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे सेम होते हैं बट न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि ऑब्जेक्शंस हैं सेल थ्योरी के। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल साइजेस एंड शेप। जो स्मॉलेस्ट सेल्स हैं अभी तक की वो है माइकोप्लाज्मा। इनकी साइजेस क्या हैं? इनकी साइज़ है 0.3 माइक्रोमीटर। प्लीज़ एक बार फिर सुन लीजिए, माइकोप्लाज्मा जो हैं वो की जो होती है वो स्मॉलेस्ट सेल्स साइजेस की होती है, और उनकी साइज़ क्या होती है? 0.3 माइक्रोमीटर। जो सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है वो है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। क्या है? सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट वन इज जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है वो कौन सी होती है? वो होती है नर्व सेल, जो कि लगभग 1 मीटर की लंबाई की होती है, जो सबसे लॉन्गेस्ट। अब आप समझ सकते हो ना कि सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होगी और सबसे लार्जेस्ट कौन सी होगी। ये इन तीनों के चीज़ों में डिफरेंशिएट आप कर लीजिएगा तो आप एक बार फिर रिकॉल कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी? माइकोप्लाज्मा होगी। सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सी होगी? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होगी? नर्व सेल होगी। इनकी साइज़ भी आप देख सकते हैं। सेल्स में भी अब साइज और शेप कौन 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 सी होती है? शेप होती है डिस्क की तरह भी हो सकती है। डिस्क देखिए आपने सपने, जो सीडी होती है उसकी तरह की गोल शेप में होती है, जो राउंड शेप में जो होगी वो डिस्क लाइक की होती है। पॉलीगोनल हो सकती है, कॉलमिनर हो सकती है, क्यूबॉइड हो सकती है, थ्रेड लाइक हो सकती है। थ्रेड जानते हैं, धागे की तरह, क्यूबॉइड, और इवन इरेगुलर भी हो सकती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। सो बेसिकली हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से, जो सेल्स होती है उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखाई दिया है। तो आपको दिख रहा होगा दो डायग्राम दिख रखे हैं, एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाला है उसमें एक बड़ा सा वॉल की तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, और जो ऊपर वाली है वो गोल गोल शेप में है, मतलब राउंड शेप में है। नीचे वाली है वो थोड़ी सी राउंड नहीं है। तो जो नीचे वाली है वो प्लांट सेल है, और जो ऊपर वाली है वो एनिमल सेल है। अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देंगे राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं इसमें, तो गोल गोल दिख रहा है कुछ। और नीचे वाली में अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियस आपको ईजीली दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर जो सेल का दिखाई देता है वो इस तरीके का होता है। आप इसको देख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सो बेसिकली सेल्स जो होती है वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो तरह की होती है, बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आगे के शब्दों को हटा देते हैं, जैसे कि प्रो और यू, तो प्रो का जो मतलब होता है वो बेसिकली होता है बिफोर, और यू का मतलब जो होता है वो बेसिकली होता है ट्रू। कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। अगर हम इनको जॉइंट करके देखते हैं सो प्रोकैरियोटिक मींस बेसिकली बिफोर द न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक मीन ट्रू न्यूक्लियस। सो बेसिकली बात यह है
कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स सेल्स नहीं होती है, यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स सेल्स होती है। अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों सेल्स को, अगर हम दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे, तो हम देखेंगे साइज़ के बेसिस पे अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो स्मॉलर साइज़ की होती है, दे आर इन स्मॉलर साइज़, एंड यूकैरियोटिक सेल्स जो होंगी वो लार्जर साइज़ की होंगी, मतलब बड़ी साइज़ की होगी। नंबर ऑफ सेल्स के अगर बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी वो सिंगल टाइप की होती है, जो कि यूनिसेलुलर होती है, सिंगल सेल भी जिनको बोला जाता है, और यूकैरियोटिक सेल बेसिकली टू टाइप की होती है, यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टीसेलुलर भी होती है। मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारी, मतलब एक या एक से अनेक सेल। अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उनमें जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड होता है, मतलब न्यूक्लियोइड एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के साथ में होता है, सराउंडिंग मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियोलस आल्सो प्रेजेंट, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है। अगर हम नेचर की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उनकी नेचर जो होती है वो सिंपल एंड प्रिमिटिव होती है, या फिर इनको एंशियंट सेल भी बोला जाता है। बट यूकैरियोटिक सेल को अगर हम देखेंगे तो ये होती है फुली डेवलप्ड सेल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है नेचर में, फुली डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, और डेवलप्ड होती है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होंगे तो डेवलप्ड होगी। अगर सेल डिवीज़न की बात करते हैं हम तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें क्रोमोसोम्स आर नॉट ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, मतलब जो क्रोमोसोम्स होंगे वो ड्यूरिंग सेल डिवीज़न फॉर्म नहीं होंगे, बट यूकैरियोटिक सेल जो होगी उसमें क्रोमोसोम सेल डिवीज़न के साथ में फॉर्म हो जाते हैं, मतलब बन जाते हैं। अगर एग्जांपल देते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल का तो कौन कौन से होंगे, बैक्टीरिया, आर्किया, ये दोनों जो एग्जांपल हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हैं। अगर दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादातर आप लोग जानते ही हैं, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए, फंजाए होंगे, ये सारे जो होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल होते हैं। सो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल जो होगी वो इजीली हमें आँखों से दिखाई नहीं देती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो स्ट्रक्चर में बड़ी होती है, इस वजह से हम माइक्रोस्कोप पे और इजीली देख भी सकते हैं। तो ये जो बेसिक जो डिफरेंशिएशन हो गया किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का, आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में और एक बार रीड कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अलग अलग लेवल पे इसको रीड करेंगे आपको पता चल जाएगा जो बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे इसमें प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स लिखा हुआ है, तो प्रोकैरियोट्स से आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोट्स वो होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल कंटेन करते हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी आप सेल देख सकते हैं, उनमें राइबोसोम होते हैं, न्यूक्लियोइड होता है, कैप्सूल होते हैं, फ्लैजेलम होता है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, कुछ ज़्यादा कंपोनेंट नहीं होते हैं, बेसिकली न्यूक्लियोइड जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, न्यूक्लियोइड जो होगा वो एज अ जेनेटिक मटेरियल होगा। बट अगर हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोट्स में अगर हम देखते हैं तो देख सकते हैं आप कितनी कॉम्प्लेक्स सेल है, बहुत कॉम्प्लेक्स सेल है, बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं और सारे कॉम्पोनेंट्स का अपना अपना रोल होता है। तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डायग्राम के माध्यम से, डायग्राम से भी आप देख सकते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या होता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्लांट सेल जो होती है
वो बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स सेल होती है, क्योंकि ये यूकेरियोटिक सेल होती है। अब जो प्लांट सेल होती है उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं डायग्राम में, जैसा कि दिखाया हुआ है, स्ट्रक्चर दिखा रखा है प्लांट सेल का। हम अगर देखते हैं तो इसमें बाहर की तरफ से मेम्ब्रेन बाउंड हो रखा है, जो पूरे के जो कंपोनेंट्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। तो जो मेम्ब्रेन्स हैं वो बेसिकली इसमें दे रखी है, आप देख सकते हैं, प्राइमरी मेम्ब्रेन दे रखी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे रखी है, मिडिल लैमिला दे रखी है और सेल वॉल दे रखी है। ये बेसिकली क्या करती है, कंपोनेंट्स को एक तरह से गार्ड करती है ना, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, और गार्ड करती है सेल के कंपोनेंट्स को ताकि ये बाहर ना जाएं। तो ये गार्ड का काम करती है जो मेम्ब्रेन्स होती है। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, होते हैं, तो जो नीचे दिए हुए होते हैं प्लांट सेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो होते हैं, सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्राइमरी मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम SER से भी नोट करते हैं, तो SER और SRER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और गोल्जी बॉडी होती है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है वो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। आप इसको बना सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए, इसको बनाइए और सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको लेबल करके एक बार लिखिए, तो आपको इजीली ये लर्न हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। आप सब जानते हैं हम सब एनिमल सेल से ही बने हुए हैं। जितने भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली वो एनिमल सेल से ही बने हुए होते हैं। सो एनिमल सेल पढ़ेंगे हम। आप देख सकते हैं डायग्राम में दिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, गोल, थोड़ा थोड़ा गोल शेप की ये होती है। इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली वो होते हैं, मेम्ब्रेन होती है जो कि सारे जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं उन सबको गार्ड करती है, उनको संभाल के रखती है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जहाँ से, जिसको एनर्जी हाउस भी बोला जाता है सेल का। न्यूक्लियस होता है जहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। जो एनिमल सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बेसिकली डीएनए होता है। तो क्रोमोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वैक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम्स होते हैं और गोल्जी एपरेटस होता है। बेसिकली ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ये एनिमल सेल में होते हैं। अब जब हम आगे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें एनिमल सेल में होती है, क्या क्या चीज़ें प्लांट सेल में होती है, इनमें सिमिलरिटीज़ क्या होती है, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक आई होप आपको जो भी हमने पढ़ा है वो सब कुछ समझ आया होगा।